तो हम लोग पढ़ेंगे बीजगणित का एक भाग। बीजगणित कितने के लिए? 20 नंबर के लिए। नहीं, बीजगणित बीस नंबर देता है हमको, ठीक। इसी बीज गणित में हम लोग पढ़ेंगे आज बहुपद। क्या पढ़ेंगे? बहुपद देखेंगे बहुत जल्दी से, ठीक। बहुपद हम लोग देखे, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि बहुपद में क्या क्या आ रहा है। तो पहले तो चर राशि हम लोग देखेंगे, चर राशि, अचर राशि, ठीक। ये देख लिया जाए, देखा जाए कि नहीं देखा जाए, चर राशि अचर राशि, फिर परिभाषा, ठीक। बहुपद की क्या परिभाषा होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद देखेंगे प्रकार, बहुपद के प्रकार। उसके बाद कुछ प्रश्न देखेंगे, उसके बाद द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, और इस पर प्रश्न, और इस पर उसके बाद हम लोग देखेंगे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, तथा प्रश्न इस पर भी। बहुपद का शून्यक, ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे बहुपद के लिए ही, बहुपद का भाग, बहुपद का भाग देखेंगे। ये इतना चीज देखेंगे और देखते हैं और क्या क्या देखेंगे, ठीक है। इतना चीज हम लोग अभी देखते हैं तुरंत बहुत जल्दी से। पहले देखते हैं चर राशि और अचर राशि, ठीक है। चर राशि और अचर राशि। चर मने चलना, बताया ना, हाँ। तो जैसे एक दो तीन, दो तरीके का चीज होता है, एक दो तीन। ये देखिए ये नहीं चल रहा है, इसका मान नहीं बदलता है, बदलता है। अब हमारे पास एक चौक है तो एक के रह जाएगा, नहीं एक के रह कहेंगे, क्या क्या तो चलेगा, दो हो जाएगा, नहीं ना होगा। इसका मान नहीं बदलेगा, लेकिन एक्स कह देंगे तो उसका मान बदल जाता है, नहीं है। जैसे पंडित जी का दक्षिणा बदल जाता है ना, जजमान हो जाता है, कहते हैं दक्षिणा, पंडित जी कहते हैं कि पूजा के समय, तो कहते हैं चलिए जजमान रहा है, माने कि फिर दियाएगा, उसके बाद फिर मूल मलाई कर लेता है सब, नहीं है, वैसे ही हो जाता है। चलिए देखिए अचर राशि, ये अचर राशि हो गया, ठीक है। जो नहीं चला वो अचर राशि, अब जो चलने लगा माने बदलने लगा समय के साथ, जैसे एक्स वाई जेड, ये सब माना हुआ मान होता है, तो वास्तव में अंक तो है नहीं है,
अंक के जगह पर इसको मान लिया गया, अंक के जगह पर इसको मान लिया गया, तो अंक के जगह पर मान लिया गया तो ये बदलाएगा ना, कभी ना कभी तो यहाँ पे अंक आएगा, हम किसी की कुर्सी पर बैठ गए आएगा तो फिर हमको उठाएगा ना, है तो ऐसे ही अंक के जगह पर ही मान लिया गया, अब आएगा तो उठा देगा, उठा देगा तो चल देगा, चल देगा तो चर मान हो गया, ठीक। तो एक्स वाई जेड मतलब एबीसीडी में का जो भी चीज रहता है, जो भी मान लिया जाता है उसको चर राशि कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, जो सीधा सीधा रहता है, जिसका सीट रिजर्व है, ये रिजर्व करके आया हुआ है ना, रिजर्वेशन लिया हुआ है ना, तो वो अचर मान होता है, ठीक है, ये नहीं चलता है, इसके जगह पर एक के जगह पर कोई नहीं आ सकता, एक के जगह पर एक के है अभी कोई नहीं आ सकता, ठीक। तो चर राशि और अचर राशि लोग जान गए, पहले भी पढ़े हुए हैं, ठीक। आइए देखते हैं परिभाषा, किसकी परिभाषा, बहुपद की, किसकी, बहुपद की परिभाषा, ठीक है, बहुपद की परिभाषा क्या होनी चाहिए, चर और अचर, चर और अचर, चर और अचर पदों के योग गुणन तथा अंतर को बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं, जहां चर पद का घातांक एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, ठीक है, जहां चर पद का घातांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब ये समझिए बात को, क्या बोल रहा है, चर और अचर पदों के योग गुणन तथा अंतर को बहुपद कहते हैं, मतलब बहु माने बहुत सा, पद माने पद, तो बहुत सा पद हो, है ना, जैसे ये एक पद हुआ, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, मतलब अभी अलग अलग अगर पढ़े तो, ठीक है। चलिए सर, इंग्लिश है पॉलिनोमियल, ठीक है, आइए देखा जाए, ये एक पद हुआ, ये दो पद हुआ, ये तीन पद हुआ, ठीक। अब देखिए यहां पे ये समझने वाली बात है कि चर और अचर पदों के योग, योग माने जोड़, गुणन यानी गुणा करने पर या फिर घटाने पर, ठीक है, घटाओ, इनके रूप में अगर इसको लिख दिया जाए तो ये क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। जैसे ये एक पद हुआ, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, मतलब कि ये एक पद है, सब अलग अलग अपना पद है, एक दो तीन चार ये भी पद ही है, ठीक। अब देखिए सबसे जरूरी बात ये होती है, सबसे जरूरी बात क्या होती है, सबसे जरूरी बात ये है, नीचे वाली लाइन, जहां वाली, जहां चर पद का घातांक एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जीरो से शुरू होती है, जीरो के दाहिनी तरफ लिखी जाती है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहां लिखी जाती है, जीरो के दाहिनी तरफ, बाई तरफ नहीं लिखी, यानी कि उस पर माइनस नहीं होता, माइनस वाली संख्या को पूर्ण संख्या नहीं कहते हैं, किसे कहते हैं, जीरो से स्टार्ट होता है, यानी कि जीरो के दाहिनी तरफ की संख्या, नंबर लाइन पर लिखेंगे जीरो के दाहिनी तरफ जितनी भी संख्या आएंगी वो पूर्ण संख्या होगी। तो घातांक जो होता है, उसका जो घात होता है चर का, वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी एक दो तीन चार होना चाहिए। अब जैसे दिया हुआ है, ये देखिए एक्स प्लस थ्री ये बहुपद है, एक्स प्लस थ्री ये बहुपद है, देखिए ये हमने देख लिया, ये हमने देख लिया, ये हम देख रहे हैं, एक्स प्लस थ्री एक बहुपद है, एक्स प्लस थ्री एक बहुपद है, एक्स बटे तीन एक बहुपद है, एक्स बटे तीन भी बहुपद है, एक्स घटाओ तीन भी बहुपद है,
और 3/x भी बहुपद नहीं है। ठीक है, एक्स बटे 3 बहुपद है लेकिन 3/x बहुपद नहीं है। काहे नहीं है? इसलिए कि ये नीचे आ गया। अब नीचे आ गया तो देखिए 3/x हो गया, यानी x की पावर एक यहां पे छुपी हुई है। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो 3×(x^-1) हो गया है। और अभी तो शर्त दिया हुआ है, ये पहले ही बुलाया है, है? कि भाई टोपी पहन कर आइएगा तो मैं भोज में बैठिएगा, नहीं तो नहीं बैठिएगा। हाँ, बिना टोपी के भोज में नहीं बैठने देंगे। हाँ, अभी ये शर्त लगा दिया, क्या कीजिएगा, है ना। तो देखिए माइनस लगा के चलाया, क्या वो सब ऐसे करके नहीं टोपी लगाना है, सीधा वाला टोपी पहनना है, अरे ठंडा वाला टोपी। हाँ, वैसे टेढ़ा मेरा टोपी नहीं पहन के आना, अरे टेढ़ा मेरा पहन लिया। ठीक है, ठंडा वाला टोपी पहनाया है। ठीक है, हाँ, कि मान लीजिए ठंडा मार देगा तो सब भोज के बुराई करेगा, क्या कि देखिए ये है। ठीक, तो इसलिए इसको हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे, क्योंकि यहां पे पावर में जो हो गया है माइनस आ गया है। नहीं, माइनस में संख्या नहीं हो सकती, ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती है। अच्छा, खाली ऋणात्मक की है? घात जो है पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या माने 0 के बाद वाली, 0, 1, 2, 3, 4, उसमें माइनस नहीं हो सकता है। ठीक है, ये तो ये जो है ये हो गया। अच्छा, ये अगर रहता है इसे 3×(x^√2), तब भी नहीं होता, तब भी नहीं होता। माने सीधा सीधा नंबर खोजता है, सीधी सीधी बात ही कहता है कि हम सीधा सीधा आदमी है, सीधा सीधा उनको बात समझाइए। ज्यादा टेर में कीजिएगा, ज्यादा है ये इसे बाला भोंकिएगा, अच्छा इसे हाँ मुर्गा मुर्गी वाला टोपी पहन के आइएगा तो हम बात नहीं मानेंगे। ठीक, बात समझ गए? तो इसीलिए कहा गया कि 3/x बहुपद नहीं है, जबकि 1/3 बहुपद है। अब यहां पे सवाल ये उत्पन्न होता है कि 3 के पावर भी तो -1 हो गया, नहीं हो गया क्या? हैं? 3 के पावर भी तो -1 हो गया, तभी कैसे बहुपद हो गया? तो कहा गया ये कि ये जो कह रहे हैं शर्त, इसने कहा कि 3 जो है उसको छूट है ना, मतलब 1, 2, 3 माने अचर राशि जितनी भी है इसको छूट है। ये कुछ लेके आए, एक बोझ किया देंगे, है ये अपन आदमी है, है? अब बाहरी आदमी है तो टोपी पहन के आएगा तो उन्हें पता चलेगी बरतिया है कि नहीं है, है? नहीं, हाँ, तो इसीलिए टोपी पहना के था। ये जो है इसके साथ ये शर्त है, केवल किसके साथ? चर राशियों के साथ। किसके साथ? हाँ, तो चर पद, देखिए चर पद जो है उनके साथ ही ये शर्त है कि भाई उसके जो पावर है, उसका जो घातांक है, वो जो है वो क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए? बात समझ में आएगा सबको? अरे सर, एक्सपोनेंट जो होता है, पावर जो होता है, इसको मिटाते आगे बढ़ते हैं। ठीक है, है? हाँ, क्या इसको लिखने की जरूरत है? तो हम लिखवा चुके हुए, तो फिर काय के लिए 4 बार इसी को लिखना? आगे देखते हैं। अब सुनिए, ये देख लिए चर राशि, देख लिया चर राशि, देख लिया बहुपद की परिभाषा, देख लिया प्रकार, है बहुपद के प्रकार। देखिए पदों के आधार पर, पदों के आधार पर अगर हम कहें, ठीक है, आवाज बिल्कुल नहीं कीजिएगा, बात बिल्कुल नहीं कीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा खाली। पदों के आधार पर अगर हम बात करें कि बहुपद के प्रकार, तो ऐसे तो बहुत से प्रकार होते हैं कि बहुपद ही है, बहुत से पद होंगे। ठीक है, कुछ खास खास है ना प्रकार देख लेते हैं। जैसे रैखिक बहुपद क्या होगा? रैखिक बहुपद,
अच्छा रैखिक बहुपद तो घात के आधार पर हो गया, ठीक है, रैखिक बहुपद तो घात के आधार पर हो गया, हम तो पदों के आधार पर बात कर रहे हैं ना, तो एक पदी क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद। अच्छा द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और उसके बाद त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। देखिए एक होता है शून्य बहुपद होता है, ठीक है, हैं? अब आगे देखते हैं हम लोग, एक पदी बहुपद इसमें एक पद होता है, इसमें केवल एक पद होता है, ठीक है, जैसे एक्स लिख दिए तो ये एक पदी बहुपद है, या थ्री एक्स लिख दिए ये एक पदी बहुपद है, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है, ये सब इसमें एक ही पद है, ये अलग है, ये अलग है, ये पद अलग है, ये पद अलग है, तो ये एक पदी बहुपद है, लेकिन जब जोड़ घटाव गुना भाग लगा देते हैं, जोड़ घटाव गुना लगा देते हैं, चिन्ह गुना लगा देते तो खैर अंतर नहीं पड़ता, लेकिन जोड़ घटाव लगा दीजिए, जैसे एक्स बटे तीन कर दिए तो ये भी एक पदी बहुपद हो गया, नहीं, लेकिन जोड़ घटाव गुना कर दिए, जैसे एक्स प्लस थ्री, इसमें दो पद आ गए, कोई ये पद एक ये पद आ गया ना, ये द्विपदी बहुपद हुआ, चाहे कह दीजिए एक्स प्लस वाई, ये एक पदी ये एक पदी है, तो द्विपदी बहुपद हो गया, तो वैसे बहुपद जिनमें दो पद हो द्विपदी बहुपद, वैसे पद जिनमें एक, वैसे बहुपद जिसमें एक पद हो वो एक पदी बहुपद, और वैसे बहुपद जिसमें तीन पद हो वो त्रिपदी बहुपद, एक्स प्लस वाई प्लस थ्री, ठीक, हाँ बहुत सा हो सकता है, ठीक, पदों की संख्या कम कितना भी लिख दे, ठीक, एक्स प्लस वाई प्लस थ्री, लेकिन यहां पे देखिए अब एक और बहुपद का रूप देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस थ्री प्लस फोर, ये कौन सा बहुपद होगा, हैं, त्रिपदी बहुपद होगा, तो इसमें चार को दिख रहा है, हाँ तो फोर और प्लस थ्री ये जुड़ सकता है, जबकि एक्स और वाई तो नहीं जुड़ सकता है, हैं, तो ये हो जाएगा सात। अच्छा अब ये बताइए तो ये त्रिपदी बहुपद है, ये भी तो एक जैसा है, एक्स और एक्स, लेकिन जुड़ेगा नहीं, है ना, अरे चलिए हमको लग रहा था कि हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ, नहीं, चलिए त्रिपदी बहुपद है, तो ऐसे लिखा रहेगा तो ये त्रिपदी बहुपद है, क्योंकि तीन पद अलग अलग है, ठीक, ये तो जुड़ेगा नहीं ना, एक में आके मिल जाए, है ना, तब कि जब नहीं बुझाए कि अलग अलग है तो क्या कहलाएगा, एक में आके जब मिल जाए अब नहीं पता चले, जैसे ये चार और तीन एक में आके मिल गया तो नहीं पता चल रहा है कि अलग अलग है, सात हो गया तो एक पद बन गया, लेकिन ये दोनों मिलके एक पद नहीं बन सकता है, एक्स स्क्वायर में एक्स कभी जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा वो अलग अलग लिखाएगा, जोड़े के रूप में लिखाएगा, ठीक है, तो ये तो था पदों के आधार पर, अब घातों के आधार पर, घातों के आधार पर, घातों के आधार पर देखा जाए, घातों के आधार पर हम लोग देखेंगे कि बहुपद के कितने प्रकार है, तो एक रैखिक बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद, उसके बाद होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, और उसके बाद त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब देखा जाए रैखिक बहुपद की घात एक होती है, रैखिक बहुपद की घात एक होती है, द्विघात बहुपद की घात दो होती है, ठीक है, त्रिघात बहुपद की घात तीन होती है। अब देखिए तो वो जितना होगा उतना घात वाला, लेकिन आपका तीन ही घात तक है ना, ठीक है, तो उस उतना ही घात वाला बहुपद कहेंगे, चार घात वाला बहुपद, पांच घात वाला बहुपद, ऐसे बोलेंगे, ठीक। अब जैसे यहां पे देखिए
ये, तो जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। जो घात सबसे बड़ी होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। अब मान लीजिए कि बहुत पैसा रखा हुआ है टेबल पर बिछा के, है 10 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का, 500 रुपए का, 2000 का रखा हुआ है। अब कहा जाए कि जाओ आप टेबल पर से वो नोट उठा लो, जो मन करे उठा लो, लेकिन क्यों उठाना, तो कौन नोट उठाएंगे, 2000 नोट उठाएंगे। वैसे ही इसमें से हमको जो दिखेगा नाम रखना होगा, तो जो सबसे बड़ा होगा उसका ना रखेंगे। तो सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो त्रिघात बहुपद हो गया। ये कितना हो गया, यानी इस बहुपद की घात 3 है, इस बहुपद की घात 3 है, जबकि ये बताइए तो इसकी घात कितनी है, है? आई बहुपद कौन सा बहुपद है, क्या पदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद नहीं है। अच्छा चलिए, त्रिघात बहुपद, मेरे घात के आधार पर त्रिघात बहुपद और पद के आधार पर त्रिपदी बहुपद, ठीक है। अभी ना बताएं, अब नहीं बताएंगे, ठीक है। सुनिए ध्यान से, त्रिघात बहुपद हो गया, जिसकी घात 3 होती है उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। बहुपद की घात हम लोग ऐसे जानते हैं, ठीक है, कि जो सबसे बड़ी घात होती है वही गिना जाती है, ठीक। अब आइए, ये तो प्रकार हो गए, ठीक। अब इस पर आपसे एक एक नंबर का प्रश्न पूछ लेगा ना बना के, जैसे हमने पूछा कि भाई बताइए कि ये जो है ये एक पदी है कि द्विपदी है कि त्रिपदी है, है? अच्छा ये कै पदी है, हैं? सर ये बहुपद नहीं है, हैं? पावर माइनस एक हो गया तो ये बहुपद नहीं है, बात समझ आ रही है, हैं? हाँ तो ऐसे देखा जाए, हैं? एक पदी बहुपद हो गया, नहीं इसकी घात 0 हो गई तो ये एक हो गया, 4 और 1 5 तो ये एक पदी हो गया, नहीं माइनस नहीं रहा, चलिए माइनस नहीं रहा, 5 रहे तो जैसे ये रहे तो ये क्या पद हो गया, एक पद, दो पद, तीन पद, त्रिपदी। हाँ माइनस उनस नहीं रहना चाहिए, रूट रूट में नहीं रहना चाहिए, पूरी पूरी संख्या 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 ऐसे होना चाहिए, ठीक है। हाँ माइनस में नहीं हो सकता है और रूट रूट में नहीं हो सकता है, ठीक है, है? रूट वाला दीजिए का, आप जानिएगा जवाब कि x के रूट 2 जोड़ 5 ये बहुपद नहीं है, ठीक है, है? अंडर रूट 64 रहेगा, तब बताइए कि बहुपद है कि नहीं। तो इसमें अब आप खुद ही खोज के बता रहे हैं प्रश्न, इसका मतलब आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि ये बहुपद है कि नहीं है, हैं? 8 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, हैं? जोड़ 5 आ जाएगा, आप खुद ही प्रश्न बनाए तो आप तो बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि ये रूट से निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, तो इसको लिखना ही बेवकूफाना हरकत है, नहीं नहीं, उसके लिए जो सवाल पूछेगा उसके लिए नहीं, है? लेकिन सवाल तो बनेगा ना ऐसा, लेकिन ऐसा सवाल बनेगा, मैंने हम आपको नहीं बोल रहे, ऐसा सवाल जो बना रहा है तो इसका मतलब कि हमको गुर्बक बना रहा है, नहीं हम उसके जाल में नहीं फंसेंगे, ठीक है। हाँ एक्स प्लस रूट टू रहे जैसे ऐसे, हाँ तो ये सर बहुपद है ना, ये तो अपने आप में एक पद है, ये भी अपने आप में एक पद है, है तो द्विपदी बहुपद हो गया, मतलब कि ये जो है अचर राशि इसके साथ एकदम छेड़छाड़ हो सकता है, इसको कतनो कोच काच कीजिए, लेकिन ये मेहमान ना है, इसको कोच काच नहीं कीजिए, खिसिया जाएगा, भाग जाएगा, बेइज्जती हो जाएगा, है एक कोच काच कूड़ा कुड़ोल कीजिए, नहीं है बात ही है। चलिए आगे देखते हैं,
तो ये कुछ प्रश्न थे जो हम लोगों ने देख लिया कि किस प्रकार के प्रश्न है, जैसे बहुपद पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन बहुपद है। आगे तो हम लोग जब एक नंबर वाला बनाएंगे बनाते हैं ना, है चलिए क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें तो ये आ ही जाएगा। तो ये चलिए ये सब हो गया हमारा। अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप याद है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आइए देखते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप द्विघात बहुपद का व्यापक रूप द्विघात बहुपद का व्यापक रूप देखिए ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स जोड़ अल्फा इंटू बीटा ये होगा ठीक। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। इसको अगर दूसरी भाषा में लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणे एक्स जोड़ शून्यकों का गुणनफल ठीक है। अब देखिए इससे क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि अल्फा और बीटा हमारा जो है ये शून्यक है, क्या है शून्यक है हाँ ठीक है। अल्फा और बीटा हमारे शून्यक है, दिए गए बहुपद के शून्यक है। शून्यक किसे कहते हैं, शून्यक किसे कहते हैं, शून्यक आगे लिखना चाहिए था नहीं, शून्यक किसे कहते हैं तो देखिए शून्यक वह अचर राशि है, शून्यक वह अचर राशि है जिसे बहुपद के चर मान में रखने पर वो बहुपद का जो वैल्यू होता है, मतलब क्या कहें उसको, वैल्यू को क्या कहेंगे अंग्रेजी हिंदी में, मान, बहुपद का मान जो होता है वो जीरो कर दे, बहुपद का मान जीरो कर दे। जैसे मान लीजिए कि कुछ ले लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस फोर का शून्य का अगर हमको देखना है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर का शून्य एक बताना है, तो देखिए अगर एक्स के जगह पर हमने दो, ये पी एक्स है, पी एक्स के जगह पर दो रखेंगे तो दो का स्क्वायर हो जाएगा चार, तो चार घटाओ चार बराबर जीरो हो जाएगा, तो दो क्या है एक्स स्क्वायर घटाओ चार का एक शून्यक है, माइनस दो रखेंगे तब भी चार हो जाएगा, दो दूनी चार तब भी चार चार घटेगा तो जीरो हो जाएगा, माइनस दो भी एक शून्यक है। तो शून्यक वह अचर राशि है जो दिए गए बहुपद के चर मान में की जगह पर रखने पर उस बहुपद का मान जो है जीरो ला दे, उसे क्या कहेंगे शून्यक कहेंगे बहुपद का, वही अल्फा और बीटा है ठीक। अच्छा एक और बात सुनिए, ऐसे ही केवल नहीं रहेगा ठीक है, केवल ऐसी ही बात नहीं रहेगी। इधर आओ बच्चा जाओ चौक मांग लो, दूसरा कहना कि चौक नहीं दीजिए, सबसे नीचे वाला में से दीजिए, सबसे नीचे वाले में से चौक दीजिएगा तो ठीक है। एक और बात बोलेगा इसमें ठीक है, अब जैसे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा पूछेगा, अल्फा प्लस बीटा पूछेगा तो माइनस बी बटे ए होता है, क्या होता है माइनस बी बटे ए। अच्छा शून्यकों का गुणनफल अगर पूछे, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा पूछे
तो सी बटे ए कर देंगे, ठीक है। ये ए बी सी क्या, तो यहां पे देखिए ए बी सी क्या, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे इस रूप का कोई द्विघात बहुपद दिया हुआ है, कहेगा कि इनके शून्यकों का योग लिखिए, तो यही है बी बटे ए, तो माइनस बी बटे क्या हो जाएगा, माइनस बी बटे शून्यकों का अगर योग पूछे तो। अब बोल दे कि इनके शून्यकों का गुणनफल बताइए, मतलब जो भी शून्यक निकल के आएंगे उसका गुणनफल बताइए, तो उसका गुणनफल क्या हो जाएगा, सी बटे ए। अच्छा, ये शून्यक निकल के कैसे आएगा, तो बहुपद को जो है जब हम समीकरण में बदल के है ना उसके बराबर में जीरो रखेंगे तो समीकरण बन जाता है, बराबर में जीरो रखते हैं तो समीकरण बन जाता है, समीकरण और बहुपद में ये अंतर होता है, ठीक है। बहुपद और समीकरण में ये बहुत छोटा सा एक अंतर है जो कि हम लोग जान लेते हैं कि जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ऐसे लिखा हुआ है ना, तो ये बहुपद हो गया, लेकिन यहां पे बराबर जीरो कर दिए तो ये समीकरण हो गया। ये द्विघात बहुपद था, अभी क्या था, द्विघात बहुपद था, ठीक है। अब बराबर जीरो रख दिए तो द्विघात समीकरण हो गया, क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, बात समझ में आ गई है। जब तक बराबर नहीं लगा था तब तक बहुपद था, जैसे ही बराबर के बाद कुछ लिख दे, जीरो ही नहीं कुछ भी लिख दे, तो ये समीकरण हो जाता है। तो ऐसे रखेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट फोर हो जाएगा, और ये बाहर निकल के आएगा प्लस माइनस टू निकल के आएगा, है तो ये प्लस माइनस टू जो है इसका शून्यक हो गया, दो शून्यक, जितने घात होता है उतना ही शून्यक होता है, ये भी हम लोग जान चुके हैं, पहले जाने थे ना, आज भी जान ले रहे कि द्विघात बहुपद के दो शून्य, त्रिघात बहुपद के तीन शून्य, जितनी घात है बहुपद के उतना ही शून्यक होंगे, मतलब उतना ही उसका आंसर होगा, उतना ही संख्या हमको मिलेगी जो कि उसको जीरो कर देगी, ठीक। ये बात समझ में आ रही है, है? हाँ कि ना आ रही है, बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, तो हाँ सर बोला जाए, ये बताइएगा शून्यकों का भाग, शून्यकों का भाग थोड़े ना इसमें पूछेगा, शून्यकों का जोड़ है, शून्यकों का गुणन पर पूछता है, ठीक है, भाग तो शून्यक निकाल के भाग कर दीजिए, नहीं है। आइए देखते हैं, ये पूछेगा, अब देखिए ले लेते हैं ये ऐसे ही कुछ फोर एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक, फोर एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स और जोड़ एक ले लेते हैं, ठीक है, ये बहुत आसानी से हमारा हल भी हो जाएगा, ठीक। इसमें शून्यकों का योग देख रहे हैं, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, तो माइनस माइनस चार बटे चार, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चार बटे चार तो एक हो जाएगा, तो यहां पे शून्यकों का योग हमारा हो गया एक, अल्फा प्लस बीटा एक हो गया, इसको चेक करेंगे अभी हम लोग, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी बाई ए, अल्फा शून्यकों का गुणनफल तो सी बटे ए यानी कि एक बटे चार, यहां पे शून्यक निकालने के लिए हमको यहां पे जीरो देना पड़ेगा, शून्यक निकालने के लिए हमको यहां पे जीरो देना पड़ेगा, जैसे ही जीरो दे देंगे तो ये द्विघात बहुपद से द्विघात समीकरण में बदल जाएगा, ठीक। द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण, बस इतना ही सा अंतर है कि बराबर लगा के कुछ दिया रहता तो समीकरण बन जाता, नहीं तो ये बहुपद रह जाता, ठीक है। अब देखिए यहां पे इसको हल कीजिए, तो ये दो का स्क्वायर है माइनस दो गुणे दो एक्स गुणे एक जोड़ एक का स्क्वायर बराबर जीरो, यानी कि टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है, यही ना है, यानी कि टू एक्स माइनस वन बराबर जीरो, या फिर
2x-1=0 दो बार है ठीक, यानी कि x बराबर 1/2 या x बराबर 1/2, इसका दोनों जो शून्यक है वो 1/2 ही है, इसका दोनों शून्यक जो है 1/2 ही है। अब 1/2 और 1/2 को जोड़ दीजिए, अल्फा भी 1/2 है इसका और बीटा भी 1/2 है, तो अल्फा प्लस बीटा कर दीजिए, यानी कि 1/2 जोड़ 1/2 कर दीजिए तो दोनों का एलसीएम 2 आएगा है, यानी कि दोनों का एक एक आएगा 2/2, यानी कि एक एक हमारा आया था ठीक, दोनों का गुणनफल कर दीजिए 1/2 अल्फा इंटू बीटा, 1/2 × 1/2 = 1/4 आया, 1/4 हमारा ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि अगर हमें शून्यकों का योग पूछेगा, अल्फा प्लस बीटा पूछेगा तो -b/a, अल्फा इंटू बीटा पूछेगा तो c/a होगा। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप देखा जाए, यहां पे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप देखते हैं ठीक है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप देखते हैं, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप भी शुरू होता है a से, a एक्स स्क्वायर अंडर रूट नहीं सर ब्रैकेट में नहीं एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब से शुरू होता है ठीक है, त्रिघात बहुपद है तो एक्स क्यूब से, एक्स क्यूब माइनस अब क्या नहीं सर है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहां पे गामा 3 गो हो गया, कैसे 3 गो हो गया, एक अल्फा आ गया, एक बीटा आ गया, एक गामा आ गया, क्यों 3 गो आ गया, क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 3, एक्स स्क्वायर अब प्लस अब 2-2 करके शून्यकों के गुणन का योगफल, 2-2 करके ले लीजिए और उनका गुणनफल कर लीजिए, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, और क्या कर दीजिए एक्स स्क्वायर है तब की एक्स कर दीजिए, अब माइनस हाँ सर अब माइनस क्या कर दीजिए, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इन सब की जरूरत होगी, इन सब पर प्रश्न भी देखेंगे थोड़ी देर में ठीक है, ये हो गया ठीक, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हो गया, इसको दूसरे शब्दों में ऐसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए a एक्स क्यूब माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग और एक्स स्क्वायर प्लस 2-2 करके लेने पर शून्यकों के गुणन का, शून्यकों के गुणनफल का योग और x माइनस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल गुणनफल ठीक है, ये अब यहां पे त्रिघात बहुपद में बताया जाता है कि शून्यकों का योग, यहां पे 3 चीज हो गया, यहां पे 2 चीज था, यहां पे 3 चीज हमारे पास, शून्यकों का योग पूछेगा तो शून्यकों का योग पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यकों का योग इसी से समझ लीजिए, बार बार शून्यकों का योग लिखने की जरूरत नहीं, ये समझ लीजिए कि शून्यकों का योग कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछेगा तो -b/a
ठीक है, दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग, ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू प्लस अल्फा इंटू गामा। अगर ऐसा पूछेगा तो हम लोग कह देंगे सी बटे ए, लेकिन अगर पूछेगा शून्यकों का गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या बोलेंगे, माइनस डी बटे ए। यानी कि इस तरीके से रहेगा, अगर फोर एक्स क्यूब कुछ भी लिख दीजिए प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर ऐसे रहा है। अब पूछे किसके जो शून्य कहेंगे, ठीक है, इसके जो शून्य कहेंगे उनका योग बता दीजिए, तो शून्यकों का योग माइनस बी बटे, यानी कि माइनस पांच बटे चार, ठीक है। अगर दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग पूछे तो सी बटे ए कर दीजिए, यानी कि तीन बटे चार। अगर कह दे कि शून्यकों का गुणनफल बता दीजिए तो माइनस चार बटे चार, यानी कि माइनस एक, ठीक है, इस तरीके से होगा। इतनी बात समझ में आ गई है, आगे बढ़ा जाए। देखिए इस पर एक प्रश्न पूछेगा, देखिए इस पर एक प्रश्न पूछेगा अगर, ठीक है, कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। प्रश्न पूछ ले रहा आपसे कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग एक बटे चार, जिसके शून्यकों का योग एक बटे चार तथा शून्यकों का गुणनफल माइनस एक है, शून्यकों का गुणनफल माइनस एक है, तो द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है। अच्छा हाँ, तो द्विघात बहुपद देखिए यहां पे हल, ठीक है, हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस, इसे दे दिया है, क्या दे दिया है, एक बटे चार, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, माइनस एक। द्विघात बहुपद क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, का व्यापक रूप क्या होता है, ए ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, हाँ प्लस अल्फा इंटू बीटा, गामा कहां से, ठीक है। यहां पे देखिए एक का जरूरत नहीं है, ये है ये नहीं है, नहीं है तो एक खत्म हो गया, यहां पे आ गया क्या, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक, पी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे पी एक्स दे दीजिएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि क्या, एक बटे चार, और एक्स है तो एक्स है ना, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया, माइनस एक दिया ना, तो प्लस माइनस 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 एक। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, नहीं चाहे तो इतना ही रखिए, चाहे इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, चार एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अब माइनस फोर, ठीक है, क्या हो जाएगा, चार एक्स स्क्वायर माइनस एक माइनस फोर अपॉन फोर, नहीं
ये हो जाएगा, ये चूंकि बराबर के उधर जीरो रहता है तो उधर चला जाएगा, तो चार खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, तो द्विघात बहुपद का ये व्यापक रूप हो गया। ये कितना हो गया? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये वाला हो गया। अब देखिये शून्य को का योग माइनस बी बटे, तो माइनस एक बटे, देखिए शून्य को का योग, शून्य को का योग दिया रहेगा तो यहां पे देखिए ये हो जाएगा माइनस बी बटे ए, तो यानी कि माइनस एक बटे चार। ठीक है, माइनस तो पहले से रहता है, यहां पे माइनस एक है तो एक बटे चार हो गया। ठीक, और सी बटे ए यानी कि माइनस चार बटे चार, तो माइनस एक आ गया। आगे कि नहीं आ गया इसका? तो ये है आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। और उस पर प्रश्न, ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। इसी में एक और प्रश्न पूछेगा कि क्या पूछ रहा है, एक प्रश्न है, ये बताइए। अभी अभी प्रश्न हम लोग ने द्विघात बहुपद का पूरा पढ़ा है हमने, तो क्या पूछ रहा है कि क्या माइनस दो, क्या माइनस दो पीएक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस ट्वेंटी का एक शून्यक है, का एक शून्यक है, तो यहां पे एक्स बराबर माइनस दो लेने पर तो पी माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू का स्क्वायर माइनस एट इंटू माइनस टू, जहां जाए एक्स वहां वहां माइनस टू माइनस ट्वेंटी, नहीं दो दुनी आठ दुनी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस बीस, नहीं सोलह चार बीस घटाओ बराबर जीरो आ गया, इसलिए ये है शून्य है। लिखेंगे पी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, अतः माइनस दो दिए गए बहुपद का एक शून्यक है, एक शून्यक है। ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है, इस पर प्रश्न बनेगा आगे है? आगे देखते क्या बोलिए कल वाला है? उत्तर क्वेश्चन हो गया था, उत्तर क्वेश्चन पूरा सॉल्व करवा दिए थे, तो लेके क्या कीजिए क्वेश्चन है? क्वेश्चन लीजिएगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं कहाँ क्वेश्चन रख दिए वाला। हाँ ठीक है, छप्पन क्वेश्चन तो था, छप्पनों क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक, चलिए देखा जाए, इसको मिटा देते हैं, वहां पे समय पूरा हो चुका है। ठीक है, शांति से बैठो। अभी देखो एक और प्रश्न, वह द्विघात बहुपद, वह द्विघात बहुपद, प्रश्न देखो, वह द्विघात बहुपद पीएक्स ज्ञात करें, पीएक्स ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तीन, जिसके शून्यकों का योग जिसके शून्यकों का योग तीन और शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का गुणनफल माइनस एक है,
एवं पी टू इज इक्वल टू माइनस सिक्स है, ये देखना है। चलिए वैसे ही सवाल है, आपकी ये घुसा दिया है, ठीक। आइए देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप है, और कोई दूसरी बात नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई वाली बात खाली हो सकती है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप px बराबर क्या हो जाएगा, a x स्क्वायर माइनस हाँ x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होगा ना। यहां पे देखिए a ऐसे ही रहेगा, ठीक, x स्क्वायर लिख दीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, 3x लिख दीजिए, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, -1, तब प्लस माइनस माइनस ऐसे लिख दीजिए। लेकिन ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, क्योंकि अभी आगे ये भी दिया हुआ है, ठीक है। दिया है, क्या दिया है, कि P2 इज इक्वल टू माइनस सिक्स, यानी कि x के जगह पर 2 रख दे रहे तो -6 आ जा रहा है। इसी से हमारा a का मान निकलेगा, इसी से हमारा a का मान निकलेगा। तो P2 इज इक्वल टू लिखेंगे एक से, ठीक है, a और x के जगह पर हम 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 -1 इज इक्वल टू -6 आना चाहिए। ए 2 दुनी घटाओ 3 दुनी घटाओ 1 बराबर, अच्छा देखिए यहां पे ए, ये देखिए गुणे, यहां पे देखिए 6 और 1 -7 है ना, 4 में से 7 घटा देंगे तो कितना देगा, -3 इज इक्वल टू -6 है, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू -6/-3, दो बार में कट जाएगा, ए की वैल्यू 2 आ गई, ए का मान हाँ सर -3 यहां पे आया सर, 7 है, -6 -1 तो -7 हो गया, 4 में से घटा दिया तो -3 आ गया, ए का है, अरे सर माइनस में ये -3 है इससे है, ठीक है, तो जाएगा गुणा में तो दे जाएगा तो भाग में नहीं हो जाएगा। ए का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिए, ए का मान कितना है, ए का मान, ए का मान एक्स स्क्वायर है, ए का मान 2 है, ए का मान कितना है 2, एक्स स्क्वायर -3x घटा 1 यही ना है, या px बराबर अब गुणा कर दीजिए 2x स्क्वायर -6x -2, ठीक है, दिस इज आवर आंसर, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, बात समझ में आ गई है, यही हो जाएगा उत्तर। इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद का दिया रहेगा, ठीक है, और वैसे ही त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप में मान रख रख के हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।